हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभिषेक। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलिप्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी। इसका पूरा हम बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक आइडिया देखेंगे गाइस, और फिर इसके बाद हम इसका एल्गोरिथम भी देखेंगे कि की जनरेशन कैसे होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होता है। ओके, एंड गाइस, से पहले अप्रॉक्सीमेटली 32-34 वीडियोस डल चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहली बात तो क्या, ये हमारा एसिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब इसमें पब्लिक और प्राइवेट की का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने बाकी एल्गोरिथम्स में यूज किया, लाइक आरएसए, उसमें हमने प्राइवेट और पब्लिक की का कंसेप्ट यूज किया था ना, उसी तरीके से एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम हमारा यह है, इसमें पब्लिक की और प्राइवेट की का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अभी देखेंगे कैसे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, मतलब ये हमारा एडवांटेज है एक तरीके से इस वाले एल्गोरिथम का, कि इट प्रोवाइड्स इक्वल सिक्योरिटी विद स्मॉलर की साइज। सो गाइस, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आरएसए, अगर तो आरएसए में अगर 3072 बिट्स हम यूज करते हैं, उतनी ही सिक्योरिटी हमको ये ईसीसी प्रोवाइड करवा देगा विद इन वट 256 बिट्स। इसका गाइस एक पूरा टेबल होता है, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में दिखाता हूँ, पूरा वीडियो के खत्म होने के बाद। सो फॉर द टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारा, ये हमको ज़्यादा इक्वल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं विद स्मॉलर की साइज, है ना, कंपेरिजन में अगर हम किसी भी एल्गोरिथम में कंपेयर करते हैं। ये एग्जाम्पल है एज कम्पेयर टू आरएसए, और भी हमारे एल्गोरिथम्स हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर नॉन ई सी सी एल्गोरिथम्स। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसकी, इसकी एडवांटेज है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड दैट इज स्मॉलर की साइज एंड हाई सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस एल्गोरिथम। एंड जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, सिंपल क्या, इलिप्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी है, तो ऑब्वियसली हम इसमें ना इलिप्टिव कर्व्स का यूज़ करते हैं, इट मेक्स यूज ऑफ इलिप्टिव कर्व्स। अब इलिप्टिव कर्व्स क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दीज आर डिफाइंड बाई दी क्यूबिकल फंक्शन, ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी आर अवर वट कॉन्स्टेंट्स, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ओके, अब हम इसका डायग्राम देखते हैं सिंपल सा। अब देखिए, जैसे कि ये हो गया। सो गाइस, कुछ इलिप्टिव कर्व हमारी इस तरीके से दिखती है सिंपल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब जितना ऊपर होगा पोर्शन उतना ही नीचे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में स्पेस कम रह गया, बट इतना और इतना, मतलब जितना इस तरफ ये हमारा एरिया होगा उतना ही एरिया हमारा इस तरफ होगा। ओके, सो इट विल बी सिमेट्रिक टू द एक्स एक्सिस, सबसे पहली बात तो ये हुई। एंड इफ वी ड्रॉ अ लाइन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम वो सिर्फ 3 पॉइंट्स पे ही कट कर सकती है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, इफ वी ड्रॉ अ लाइन इट विल टच मैक्सिमम ऑफ 3 पॉइंट्स। अब आप देख सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे लाइन बनाई है, तो ये पी क्यू आर पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप कैसे भी तरीके से लाइन बनाओगे तो मैक्सिमम 3 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी या उससे कम पे कर सकती है। अब जैसे कि अगर हम ऐसे नॉर्मल एक लाइन लेते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेगी, है ना, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। और ये जो है गाइज हमारी, ये पूरी इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग क्योंकि हमको समझना है तो हम इसको लिमिट कर देंगे कि हम इसको एन तक ही ले रहे हैं, ठीक है। वी आर स्पेसिफाइंग अ लिमिट, और हम इसी के अंदर अंदर अपना काम करेंगे, एल्गोरिथम देखेंगे कैसे हमारा काम करता है। सो हमने एन ले लिया इस लिमिट को, वी आर लिमिटिंग इट दैट इट बी एन, और सिंपली हमारे 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर। अब हम इसका आगे देखते हैं सिनेरियो। नाउ गाइस, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिथम हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ ट्रैपडोर फंक्शन, ठीक है, उसमें ये कंसेप्ट आएगा भी हमारा। तो देख लेते हैं ट्रैपडोर फंक्शन क्या होता है। सिंपल सी बात यह कि ट्रैपडोर फंक्शन, जैसे कि अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं ए से बी पर जा रहा हूँ, अगर मेरा कोई फंक्शन है ए से मैं बी पर जा रहा हूँ, जनरेट हो रहा है बी, तो मैं बी से ए पर नहीं जा सकता हूँ, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो वही हमारा ट्रैपडोर फंक्शन कहता है। इट इज़ अ फंक्शन दैट इट इज ईजी टू कंप्यूट इन वन डायरेक्शन येट डिफिकल्ट टू कंप्यूट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फाइंडिंग इट्स इनवर्स इज कॉम्प्लिकेटेड, ओके, डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा, विदाउट स्पेशल इन्फॉर्मेशन कॉल्ड द ट्रैपडोर। हाँ, अब देखिए, अब हम एक्स से वाई पर जा रहे हैं तो ईजिली हमारा आराम से हम अपना फंक्शन को वैल्यूज हमारी सॉल्व हो जाएंगी, बट हम एफ एक्स से एक्स पर जाएंगे तो दैट विल बी अ हार्ड प्रोसीड्योर। ओके, बट हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ईजी कब होगा, इफ़ वी आर गिवन सर्टन वैल्यू, जो कि हमारा ट्रैपडोर वैल्यू होता है। सो ये हमारा कुछ छोटा सा कंसेप्ट होता है ट्रैपडोर फंक्शन का। तो एक साइड में हम जा रहे हैं तो आराम से हमारी वैल्यूज निकल जा रही हैं, बट हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। रिवर्स तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ एक स्पेशल वैल्यू होगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द ट्रैपडोर वैल्यू। अब हमारा सिर्फ इस एल्गोरिथम्स में जो हमें समझना है ट्रैपडोर का मीनिंग, बस ये था कि हम एक साइड में जाते हैं तो इजी हमारे को पड़ता है, हम उसका उल्टा नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी अ हार्ड वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब। नाउ गाइस, स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, लेट ई पी, इसमें ए बी हमारे 2 पैरामीटर्स होंगे, बी दी इलेप्टिव कर्व। नाउ उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग अ इक्वेशन क्यू इक्वल टू के इन टू पी। अब गाइज, हमारे क्यू और पी क्या है, जो हमारे पॉइंट्स है ना कर्व पे, अभी देखो हमने जो प्रीवियस डायग्राम देखा था उसमें क्या था हमारा, हमने लाइन बनाई तो पी क्यू आर पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वी आर टेकिंग द 2 पॉइंट्स क्यू और पी, हम पॉइंट्स ले रहे हैं फॉर द एग्जाम्पल समझने के लिए। ओके, तो हमने क्या कहा कि कंसिडर द इक्वेशन क्यू इक्वल टू के पी, एंड क्यू और पी जो है पॉइंट्स ऑन द कर्व है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया, एंड द वैल्यू ऑफ के शुड बी लेस देन एन। ओके, के हमारा एक इंटीजर वैल्यू होगा जो कि एन से लेस देन एन होगा। एन क्या था हमारा गाइस, जो हमने लिमिट किया था ना एरिया की, हम इससे अंदर अंदर ही अपना कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, क्योंकि ये तो हमारा इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, सो वी आर बाउंडिंग दिस टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो हमारा एन तक यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो हम के की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे ना, सो दैट विल बी लेस देन एन, ठीक है, एन से छोटी वैल्यू होनी चाहिए आपकी,
एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे समझिए, इफ़ की एंड पी आर गिवन, है ना, हम क्यू निकाल रहे हैं ना, की और पी अगर आपको गिवन होगा तो क्यू की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, इट शुड बी वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बट अगर हमारे पास क्यू और पी है ना, मतलब हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो कि अभी ने अभी ट्रैपडोर फंक्शन कंसेप्ट नहीं पढ़ा था अभी जस्ट नाउ, वही कंसेप्ट हमारे यहाँ पे, हम हमारे पास अगर के और पी की वैल्यू है तो हम क्यू को बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास क्यू और पी है गाइस तो हम के की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो दिस इज वट वी कॉल द डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम फॉर इलेक्टिव कर्व्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मे बी एक दो नंबर में पूछ लें कि डिफाइन डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम फॉर इलेक्टिव कर्व्स, एंड इट इज़ अ वन वे फंक्शन ऑल्सो, है ना, क्योंकि हम एक तरीके से ही जाने तो सॉल्व हो पा रहा है, अगर हम उसको दूसरे वे में देख रहे हैं तो हमारे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ वन वे फंक्शन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ ट्रैपडोर फंक्शन। जो मैं आपको बता चुका हूँ वही है कि ए से बी जाना ईजी है, बट कमिंग बैक बी टू ए इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब गाइज नाउ स्टार्ट करते हैं ई सी सी एल्गोरिथम हमारा। तो गाइज ई सी सी जो है हमारा, हमको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड करने की भी हेल्प करता है, की एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं, और गाइज हमारे डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट भी हम इसके थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको अचीव कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल ई सी सी का की एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, बिटवीन द टू पार्टी सेंडर एंड द रिसीवर। सो फ्रेंड्स नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, हमारे पास ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, हमारे पास दो ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स होंगे, एक तो जी होगा और हमारा ई क्यू ऑफ ए बी होगा। ये हमारा क्या आएगा, दिस इज द इलिप्टिक कर्व विद द पैरामीटर्स ए बी एंड क्यू। अब ए बी तो हमारे कॉन्स्टेंट्स होगा, क्यू क्या है हमारा, क्यू विल बी अ प्राइम नंबर, आइदर इट कैन बी अ प्राइम नंबर और या फिर ये हमारा एक इंटीजर हो सकता है ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, q कैन बी अ प्राइम नंबर और इट कैन बी एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m। ओके, तो ये आपका हो गया e ऑफ ए बी, एंड सिंपली यू विल हैव वन मोर एलिमेंट दैट विल बी g। g हमारा क्या होगा गाइस, दैट विल बी अ पॉइंट ऑन द इलिप्टिव कर्व हुज ऑर्डर इज लार्ज वैल्यू ऑफ n। ओके गाइस, तो हम एक पॉइंट लेंगे जी जो कि हमारा कर्व पे लाई करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना लिमिट कर दिया ना कि हम एन तक ही इसको यूज़ करने वाले हैं, तो जी हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस कर्व पे ही लाई करेगा जो हमारी आगे इनफाइनाइट तक जारी है ना एक कर्व, तो दैट विल बी हैविंग अ वैल्यू ग्रेटर देन एन, ठीक है, तो हमारा जी होगा। अब हम इस जी को आगे यूज़ करेंगे अपनी कीज़ को जनरेट करने में, अब देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। नाउ ये हमारे हो गए ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स, ठीक है, अब सिंपल वट वी विल डू इज हम यूज़र ए की जनरेशन करेंगे, सपोज ए हमारा सेंडर है बी हमारा रिसीवर है, तो हम उसकी पहले की जनरेशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट विल डू इज सिलेक्ट अ प्राइवेट की, उसको हम एन ए बोल रहे हैं। अब गाइस जो हमारा प्रोसीड्योर है थोड़ा थोड़ा डेफी हेलमैन की तरह ही सेम है बिल्कुल, बट इसमें जो हम इक्वेजन यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमारा अलग है यहाँ पे, तो बस इतना सा ध्यान दे रहे हैं आपको, बाकी जो प्रोसीड्योर है ऑलमोस्ट उसी की तरह है। जैसे कि हम उसमें क्या करते थे, पहले हम ए पर्सन की प्राइवेट की सिलेक्ट करते थे, उसकी पब्लिक निकालते थे, बी की हम प्राइवेट सिलेक्ट करते थे फिर उसकी पब्लिक निकालते थे ना, तो सिमिलरली देखो वही कर रहे हैं, वी आर सिलेक्टिंग अ प्राइवेट की ऑफ एन ए ऑफ पर्सन ए दैट इज एन ए, हम उसको बोल रहे हैं, और जो आपकी एन ए की वैल्यू है गाइज वो एन से छोटी होनी चाहिए। एन क्या था, जो हमारा डायग्राम था ना, तो यहाँ तक हम उसको लिमिट कर रहे थे मैक्सिमम, तो इससे छोटी वैल्यू आपकी होनी चाहिए एन ए की। फिर हमने क्या कहा, पब्लिक की हम उसकी कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन ए जो हमने अभी अपनी प्राइवेट की को अज्यूम किया है इनटू जी, जी विल बी व्हाट अपना पॉइंट ऑन दी कर्व, जनरेटर पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। सो हमारा पी ए हो जाएगा एन ए इंटू जी, एंड दैट विल बी योर पब्लिक की। एंड सिमिलरली गाइस हम यूजर बी की जनरेशन करेंगे, सबसे पहले हम उसकी प्राइवेट की को खुद से अज्यूम करेंगे, एन बी लेंगे, सपोज हम उसको एन बी बोल रहे हैं, एंड दैट एन बी विल बी लेस देन एन। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टरवर्ड्स हमने प्राइवेट की को सिलेक्ट कर लिया, अब हमें उसकी पब्लिक की जनरेट करनी है, सो पब्लिक की ऑफ दैट यूजर दैट इज बी यूजर विल बी वॉट पी बी, हम उसको बोल रहे हैं, तो पी बी विल बी इक्वल टू एन बी दैट इज इसका ही प्राइवेट की इंटू जी, जो हमारा ग्लोबल एलिमेंट है। ओके, जनरेटर पॉइंट जो है हमारा जी। ऐसे हमने सिंपल इसकी पब्लिक की निकाल ली, इसकी पब्लिक की निकाल ली, अब ए की भी पब्लिक की आ गई है, बी की भी आ चुकी है, और इनकी प्राइवेट की हमने अज्यूम कर ली थी। नाउ व्हाट विल डू इज हम इसका की एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सिंपली जो हमारा पर्सन ए है ना वो अपनी की को कैलकुलेट करेगा, कैसे कैलकुलेट करेगा, अब देखो पहला पर्सन है ए पर्सन। ओके, तो लेट अस सेम इसको के ए बोल देता हूँ, और बाद में तो हमारी की सेम हो ही जानी है, के ए विल बी इक्वल टू के बी, क्योंकि हम की एक्सचेंज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। तो के ए अपनी कैसे निकाल रहेगा, इस की कैसे निकाल रहा है, एन ए तो इसके पास ऑलरेडी है ना, अब देखो ए पर्सन है उसके पास प्राइवेट की तो होगी होगी, क्योंकि आप हो अगर तो आपके पास आपकी प्राइवेट की होगी और किसी को पता नहीं होगा, मैं हूँ तो मेरे पास होगी, मेरी प्राइवेट की किसी और को नहीं पता होगी, है ना, तो सिंपली एन ए विल बी अ प्राइवेट की ऑफ दिस पर्सन ए, जो कि इसी को पता होगी, और वो पी बी से मल्टीप्लाई कर रहा है, पी बी क्या है गाइस, पब्लिक की ऑफ बी, क्योंकि पब्लिक की तो सबको पता हो सकती है ना, किसी को भी पता हो कोई दिक्कत नहीं है, तो बी की पब्लिक की इसने ली और अपनी प्राइवेट की से मल्टीप्लाई किया, तो उसने की जनरेट करी। सिमिलरली बी पर्सन जो था रिसीवर, उसने अपनी प्राइवेट की ली एन बी विज प्राइवेट की, और उसने पी ए लिया मतलब उसकी पब्लिक की ली ए की, जो उसको पता होगी, तो सिंपली उसने भी अपनी की कैलकुलेट कर ली, तो इन दोनों के की वैल्यूज जो है हमारी सेम आएगी, और यहाँ से हमारा जो है की एक्सचेंज प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। ओके गाइस, तो सिंपली हमारा क्या सीन था, दो ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स है ई और हमारा जी,
और क्यू की वैल्यू जो होगी हमारी वो प्राइम नंबर हो सकता है या फिर इट कैन बी एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m। एंड सिंपली ए यूज़र होगा उसकी हम प्राइवेट की यूज सिलेक्ट करेंगे और उससे हम पब्लिक की जनरेट करेंगे जी को मल्टीप्लाई करके। एंड सिमिलरली बी का भी सिमिलरली हम प्राइवेट की खुद से एज्यूम करेंगे या फिर क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे फ्यूचर में, और फिर उसकी पब्लिक की कैलकुलेट करेंगे कैसे, एन बी इंटू जी, और फिर उसके बाद हमने की एक्सचेंज कर ली सिंपल, अपनी अपनी प्राइवेट की लेके वो पब्लिक की दूसरे यूज़र की लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी की एक्सचेंज हो गई सिंपल। अब गाइज ये हमारा हो गया की जनरेशन। अब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन देखते हैं फटाफट से। अब जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपका मैसेज आप एम लेके चलिए। अब गाइज हम एम का क्या करते हैं, जो हमारा मैसेज होता है ना हम उसको एनकोड करते हैं मैसेज को इन अ पॉइंट फॉर्मेट, हम उसको मैसेज को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, पे एक पॉइंट होगा हमारा जिसमें हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कर्व पे लाई करेगा और उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं सपोज दैट पॉइंट भी पीएम, उसको हम पीएम मान के चल रहे हैं। नाउ दिस पॉइंट इज इनक्रिप्टेड, है ना, मतलब क्या है आपका मैसेज है उसको आपने किस तरीके से इनकोड करा एंड यू गेट अ पॉइंट जो कि आपका कर्व पे लाई करेगा और इस कर्व पे जो पॉइंट आपका लाई करा है दैट इज पीएम, इसको अब हम इनक्रिप्ट करेंगे। एंड इनक्रिप्शन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं गाइस, फॉर इनक्रिप्शन वी विल चूज अ रैंडम पॉजिटिव इंटीजर के, ओके वी विल चूज अ वैल्यू ऑफ के एंड सिंपली द हमारा साइफर टेक्स्ट का पॉइंट जो हमारा बनेगा क्योंकि हम पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, पॉइंट से पॉइंट में ही हमारा साइफर जनरेट होगा। सो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट में क्या होगा, के इंटू जी, कि हमने एक इंटीजर खुद से लिया, जी हमारा जो ग्लोबल जनरेटर पॉइंट था जो हमने पीछे भी देखा था। एंड सिंपली हमारा जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा गाइस, पी एम प्लस के टाइम्स पी बी। पी एम तो यही है हमारा पॉइंट जो हमने अभी कन्वर्ट किया, इसको एनकोड करा मैसेज को, और के हमारा जो हमने अभी अभी चूज किया था। एंड सिंपली पी बी क्या है आपका गाइस, पब्लिक की ऑफ बी, फॉर इनक्रिप्शन पब्लिक की ऑफ बी विल बी यूज एंड दिस पॉइंट विल बी सेंड टू द रिसीवर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा सिंपल ECC का इनक्रिप्शन। सिंपल क्या है, एक पॉइंट एक मैसेज है उसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया जो कि आपका कर्व पे लाई कर रहा है, उसके बाद हमने एक के को चूज करा, उस के को चूज करने के बाद हमने अपने पॉइंट्स निकाले जो कि हमारा साइफर टेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब ये जो हमारा पॉइंट है ना साइफर टेक्स्ट का पॉइंट, ये हम अपना रिसीवर को भेज देंगे जो कि हमारा बी पर्सन है और वो अपना डिक्रिप्शन करेगा। अब कैसे डिक्रिप्शन करेगा हम वो देखते हैं गाइस सिनेरियो। अब गाइस जो बी पर्सन है जो कि हमारा रिसीवर है ना, मतलब ए बंदा जो है वो बी को भेज रहा है ना, तो सिंपली बी पर्सन क्या करेगा, जो हमारा साइफर्ड पॉइंट जनरेट हुआ है इसका पहला वाला कोऑर्डिनेट उठाएगा दैट इज के जी, सिंपल के जी लेगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा अपनी प्राइवेट की के साथ में एन बी के साथ। फॉर डिक्रिप्शन प्राइवेट की ऑफ बी इज यूज, वाई इज इट सो, बिकॉज इनक्रिप्शन में हमने पब्लिक की ऑफ बी यूज किया है, सो दैट्स व्हाई डिक्रिप्शन में ऑब्वियसली उसका प्राइवेट की ही हम यूज करेंगे, है ना। एंड आफ्टर डिक्रिप्टिंग इट हमने जब इसको एन बी से मल्टीप्लाई कर दिया पहले कोऑर्डिनेट को अपनी प्राइवेट की ऑफ बी से, अब हम क्या करेंगे गाइस, वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट इन द पेयर। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, पी एम प्लस के टाइम्स पी बी था ना, तो देखो वही हमने लिखा पी एम प्लस के टाइम्स पी बी, दैट इज हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हमने लिया और इसको माइनस कर दिया हमने जो हमने रिजल्ट अभी निकाला था, तो हमारा ये आ जाएगा के जी इंटू एन बी आई है, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स बट ये हमारा आ गया सिनेरियो, बट हमको पता है गाइस कि पी बी इक्वल टू एन बी इंटू जी था, है ना, अभी हमने पीछे कैलकुलेट करा ना कि हमारा जो बी पर्सन था उसकी पब्लिक की थी पी बी इक्वल टू एन बी इंटू जी, तो हम वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ये हमको पता है, सो दैट्स वाई वी विल रिप्लेस दिस वैल्यू, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एन बी इंटू जी दैट इज एन बी इंटू जी, ये वाला जो हमारा पोर्सन है दैट विल कन्वर्ट इंटू पी बी, तो पी बी हम इसको लिख सकते हैं, तो सिंपली के पी बी माइनस के पी बी हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपका ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल होएगा, सिंपली यू विल गेट व्हाट पी एम दैट इज योर ओरिजिनल पॉइंट। सो गाइज वी विल गेट दिस पॉइंट पी एम जो कि हमने एनकोड किया था ना मैसेज स्टार्टिंग में, तो देखिए स्टार्टिंग थी मैसेज को हमने पी एम में कन्वर्ट किया था एंड आफ्टर द डिक्रिप्शन प्रोसेस वी आर गेटिंग व्हाट पी एम, सो दैट्स वाई रिसीवर गेट्स द सेम पॉइंट। अब वो इस पॉइंट को अपना जिसे हमने एनकोड किया था तो डिकोड करेगा, सिंपली ही विल गेट द मैसेज। सो गाइज दिस वॉज द बेसिक फंडा अबाउट इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इसका एक टेबल भी देखते हैं फटाफट से। अब गाइस हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो हमारा ECC दैट इज इलेप्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी, वो हमको सेम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है विद लेस नंबर ऑफ बिट्स, है ना। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अब आप देखिए, अगर हम RSA या फिर DSA एल्गोरिथम जो हमारा होता है ना गाइस, तो उसमें अगर हम 512 बिट यूज़ करते हैं ना, तो ECC हमको सेम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा विद 112 बिट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, 512 बिट से सीधा 112 बिट के यूज़ कर रहा है और उतनी ही लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है, बराबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। एंड एट सेम टाइम अब आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज देखते चलते हैं, 2048 अगर हम बिट्स यूज़ करते हैं RSA में, तो 224 बिट हम ECC में यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे को देखो कितनी ज़्यादा एडवांटेज हो गया है, यहाँ पे सिर्फ 200 बिट्स हैं 200 समथिंग बिट्स एंड यहाँ पे 2000 से ज़्यादा बिट्स हैं। सिमिलरली हम 512 बिट्स की यूज़ करेंगे तो हमको उतनी सिक्योरिटी मिलेगी जितनी हमको यहाँ पे 15,360 बिट्स यूज़ करके RSA की मिलेगी। तो आप देख सकते हैं गाइस ECC हमारा इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है, कम बिट्स यूज़ कर रहे हैं उतनी ही सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड हो जा रही है, तो दैट्स वाई हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके गाइस, सो वी आर डन, वी हैव शोन द टेबल ऑन द पेज 313। एंड गाइस कुछ लोग पूछेंगे बुक कौन सी है, बुक है सिंपल क्रिप्टोग्राफी बाय विलियम स्टैलिंग्स। ओके सो अच्छा लगा तो वीडियो गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को, आगे आगे आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज एंड टिल द टाइम टेक केयर।